तो दोस्तों ये है अपना स्मार्ट सेटअप बॉक्स। इसके अंदर अपने को टीवी चैनल यहाँ पे फ्री में मिलेंगे, उसके अलावा इंटरनेट से अपन यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो शो मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं। सारे स्मार्ट फीचर इसके अंदर है, वाईफाई इनबिल्ट इसके अंदर अपने को मिल रहा है और मोबाइल की स्क्रीन को अपन इसमें शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये सारी चीजें इस बॉक्स के अंदर अपने को मिलेगी और इसकी प्राइस है सिर्फ 950 रुपए यार, तो मार्केट में तो ये तवाही मचाने वाला है। और गाइस ये अपना एक स्मार्ट बॉक्स है और आप भी स्मार्ट हो तो स्मार्ट काम करो चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर पहली बार चैनल पर आ गया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। अब दोस्तों ये जो पूरी वीडियो ना, इसके अंदर मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि ये बॉक्स क्या है, इसके अंदर अपने को क्या-क्या मिल रहा है, किस तरीके से ये काम करता है, कौन-कौन से इसके अंदर स्मार्ट फीचर अपने को मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात किसको यहां पे खरीदना कैसे है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में आपको पता चलेगी। वीडियो को यहां पे पूरा एंड तक देखना अच्छी तरीके से, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो बॉक्स है ना, ये नया वर्जन है और ये अभी मार्केट में लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। तो देखते हैं इसमें अपने को क्या-क्या लेटेस्ट चीजें मिल रही है। अब ये जो अपना बॉक्स है ना, ये रिलीपल ब्रांड का है और ये काफी अच्छा पॉपुलर ब्रांड है यार, लोकल मार्केट में अच्छा खासा ये सेल होते हैं। और तुम में से काफी लोग जानते हैं कि इससे पहले मैंने एक और बॉक्स की यहाँ पे वीडियो बनाई थी और वो भी अपना सेम ब्रांड का था, तो जाहिर सी बात है ये ब्रांड बहुत पॉपुलर है। इससे पहले जो मैंने आपको बॉक्स के बारे में बताया था ना, ये उसका सिंपली अपग्रेड है और इसके अंदर अपने को ज्यादा फीचर मिल रहे हैं उसके कंपेयर में। अब इस डिब्बे में से अपने को सबसे पहले सेटअप बॉक्स मिलेगा, एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा और भाई इस रिमोट कंट्रोल की क्वालिटी पहले से ज्यादा बेटर है। मतलब कंपनी वालों ने ना इस रिमोट को इतना मजबूत कर दिया है कि टूटेगा नहीं, आराम से लंबे टाइम तक चलेगा। इसके अलावा अपने को एक एडाप्टर मिल जाएगा और 3 RCA की यहाँ पे केबल मिलेगी। दोस्तों मैं तो सोच रहा था कि इसके अंदर अपने को HDMI केबल मिलनी चाहिए थी, लेकिन 3 RCA केबल मिल रही है। और HDMI केबल इसलिए मैंने बोला यार, क्योंकि HDMI केबल ही यहाँ पे फुल HD यानी कि 1080p रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। यहाँ पे अपनी जो 3 RCA केबल होती है ना भाई, वो सिर्फ 480 पिक्सल को यहाँ पे सपोर्ट करती है, जिसे अपन SD यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलते हैं। तो गाइस अगर आपके पास यहाँ पे LED TV है ना 32 इंच की या फिर उससे बड़ी, तो इसको HDMI केबल से चलाना, या फिर आपके पास यहाँ पे पुरानी डब्बा TV हुई जिसे अपन CRT TV बोलते हैं, तो उसके अंदर तो बेसिकली 3 RCA केबल से ये डायरेक्टली चली जाएगा। तो दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है इस बॉक्स को चलाने के लिए। अब ये वाला जो बॉक्स है ना भाई, इसके अंदर अपने को दुनिया भर के लेटेस्ट फीचर मिल रहे हैं, जैसे कि ये 4G कनेक्टिविटी के साथ आता है, वाईफाई भी इसके अंदर इनबिल्ट अपने को मिलेगा, इसके साथ लाइव रिकॉर्डिंग भी अपन कर सकते हैं USB पेन ड्राइव के अंदर। मतलब अगर आप कोई भी पिक्चर देख रहे हो या फिर शो देख रहे हो और उसको रिकॉर्ड करना हो ना, तो पेन ड्राइव के अंदर वो चीजें रिकॉर्ड भी हो जाएगी। और ये फैसिलिटी अपने को सिर्फ इस बॉक्स में मिल रही है, वो भी सिर्फ 950 रुपए में। और यहाँ पे साफ साफ अपने को बता रखा है कि कोई भी एंटीना की अपने को जरूरत नहीं है भाई, इसके अंदर इनबिल्ट अपने को वाईफाई का सेंसर मिलता है। इससे पहले जो अपन ने बॉक्स का रिव्यू करा था ना, उसके अंदर अपने को अलग से यहाँ पे वाईफाई का डोंगल लगाना पड़ता था, लेकिन इस वाले बॉक्स में कोई जरूरत नहीं है, पहले से कंपनी वालों ने वाईफाई इसके अंदर दे रखा है, तो पैसे बच गए ना यार डोंगल के भी। अब इसके अंदर 4G कनेक्टिविटी और वाईफाई क्या है, लाइव रिकॉर्डिंग कैसे काम करती है और इसमें डोंगल की जरूरत क्यों नहीं है, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी आप यहाँ पे कौन सा सेटअप बॉक्स यूज कर रहे हो, मतलब टाटा स्काई, वीडियोकॉन, सन डायरेक्ट बोलते हैं अपन इसको, या फिर और कौन सा बचा यार। तो जो भी आप यहाँ पे यूज करते हो ना, मुझे कमेंट करके बता देना, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप अभी यहाँ पे कौन सा सेटअप बॉक्स को यूज कर रहे हो। तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब दोस्तों ये वाला जो अपना बॉक्स है ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है पहले के कंपेयर में। प्लास्टिक इसके अंदर यूज हुआ है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी खासी अपने को मिल जाएगी। फ्रंट साइड में अपने को रिलीफ की ब्रांडिंग मिलेगी, एक डिजिटल मीटर मिल जाएगा और कुछ बटन मिल जाएंगे। और इसका जो बैक साइड है ना, उसके अंदर अपने को सारे कनेक्टिविटी मिलेगी। एक तो यहाँ पे अपने को LNB का पोर्ट मिलेगा, जो आपकी छतरी से होके आती है ना केबल, वो इसके अंदर लगेगा। एक USB का पोर्ट मिल जाएगा 2.0 वाला, एक HDMI केबल मिलेगी और 3 RCA अपने को मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, इसके लेफ्ट वाले पार्ट में आप ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो ना, ये कंपनी वालों ने जानबूझ के खाली छोड़ा है और इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। अब वो राज क्या है, कंपनी वालों ने ऐसा क्यों करा है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इस सेटअप बॉक्स के कुछ स्मार्ट फीचर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि इसके अंदर अपने को इनबिल्ट वाईफाई मिलेगा, जिसके थ्रू अपन इंटरनेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन यहाँ पे मूवी देखनी है, शो देखने या गाने सुनने, तो सारी चीज़ें अपने को मिल जाएगी। USB के थ्रू अपन मूवी को देख सकते हैं या फिर फैमिली के जितने भी फोटोज या वीडियो होती है ना, वो सारी इसके अंदर चल जाएगी। तो USB कनेक्टिविटी भी इसके अंदर अपने को मिल रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर अपने को TV चैनल यहाँ पे फ्री में मिलेंगे, और वो TV चैनल कौन से वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन जितने भी TV चैनल इसके अंदर अपने को मिलते हैं ना, वो सारे फ्री है। इसका मतलब गाइस, ये जो अपना सेटअप बॉक्स है ना, इसके अंदर अपने को लाइव TV चैनल तो मिलता है, साथ में इंटरनेट भी अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं और मोबाइल की स्क्रीन को कास्ट भी कर सकते हैं। तो यार ये सेटअप बॉक्स ना अकेला काफी है इन दोनों चीजों को चलाने के लिए, आपको अलग अलग डिवाइस खरीदने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इस सेटअप बॉक्स को LED में कनेक्ट करना बहुत आसान है, या तो HDMI केबल के थ्रू आप कनेक्ट कर लो या फिर 3 RCA के थ्रू कनेक्ट कर लेना। अब दोस्तों आपको मैं समझाता हूँ कि इस सेटअप बॉक्स के अंदर अपने को क्या क्या चीजें मिल रही है और इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि यार 950 रुपए में मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी वालों ने इतनी सारी चीजें अपने को दे कैसे दी। तो चलो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर अपने को क्या क्या स्मार्ट फीचर यहाँ पे मिल रहे हैं।
अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे इसका होम पेज खोलना है जिसके अंदर अपने को सारे स्मार्ट फीचर मिलते हैं इंटरनेट यूज करने के, तो सिंपली अपने को मेन्यू बटन को दबाना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का अपने को यूजर इंटरफेस मिलेगा और ये वाला जो यूजर इंटरफेस है ना ये यहाँ पे नया है और अपडेट है। अब नीचे की तरफ अपने को चार मेन्यू मिलेंगे, इंस्टॉलेशन, नेटवर्क, मीडिया सेंटर और सिस्टम। इंस्टॉलेशन के अंदर बेसिकली अपने जो चैनल है उसकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, तो इसको अभी अपन छेड़ेंगे नहीं क्योंकि अपन यहाँ पे स्मार्ट फीचर की बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद अगर अपन नेटवर्क में जाएंगे ना तो यहाँ पे अपने को वाईफाई की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप चाहो ना तो मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी इसको कनेक्ट करके यहाँ पे चला सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके घर में फाइबर कनेक्शन हो या फिर ब्रॉडबैंड हो, आप मोबाइल से भी इसको यहाँ पे चला सकते हो। उसके अलावा जो मीडिया सेंटर है ना उसके अंदर अपने को अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाते हैं, म्यूजिक, पिक्चर, मूवी, रिकॉर्ड मैनेजर, HDD इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे ऑप्शन अपने को इसके अंदर मिल जाएंगे। और दोस्तों सबसे कमाल की बात कि इसके अंदर अपने को यहाँ पे दो गेम भी मिलेंगे जो बेसिक लेवल के गेम है। अगर आपको गेम खेलना हो तो डेफिनेटली आप इसके अंदर गेम खेल सकते हो, लेकिन मुझे उतने पसंद नहीं आए। तो अगर आप पेन ड्राइव के थ्रू पिक्चर देखना चाहते हो, वीडियो देखना चाहते हो या फिर गाने सुनना चाहते हो ना, तो वो यहाँ पे मीडिया सेंटर में जाके ही ओपन होगा। यहाँ पे अलग अलग अपने को सेक्शन दे रखे मूवीज, पिक्चर और म्यूजिक के, तो जो भी आप देखना चाहो ना उस वाले सेक्शन में चल जाना और वो आपकी यहाँ पे चलने लग जाएगी। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे किसी भी मूवी शो को रिकॉर्ड करोगे ना तो वो रिकॉर्ड मैनेजर में जाके शो हो जाएगा। अब ये वाला जो अपना इंटरफेस है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल लेव वाले ऑप्शन के अंदर अपने को यहाँ पे दो सेक्शन मिल जाएंगे, एक तो इंटरनेट देखने के लिए, मतलब कोई भी मूवी या शो को आप ऑनलाइन देखना चाहते हो तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में चल जाना। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो DLNA का ऑप्शन है ना इसके थ्रू अपन अपने मोबाइल की स्क्रीन को इसके अंदर कास्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहो ना तो अपने मोबाइल के अंदर कोई भी मूवी देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो ना तो वो आपके इस सेटअप बॉक्स के जरिए यहाँ पे LED में चल जाएगी। इसके लिए आपको मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है DLNA का, और उसके बाद जैसे ही आपके LED में ये DLNA का मेन्यू ऑन हो जाएगा ना उसके बाद आपको अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करना है। और ये दोनों जो कनेक्टिविटी होती है ना ये सेम वाईफाई नेटवर्क से होती है, तो इस चीज़ का यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी मूवी या शो को देख रहे हो या फोटोज़ को देख रहे हो तो वो डायरेक्टली आपके LED के अंदर चलने लग जाएगी, लेकिन ये पूरा काम के लिए अपने को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो भाई ये जो पूरा सेटअप बॉक्स है ना इसके अंदर अपने को काफ़ी अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी वालों ने इसके अंदर ये वाली जो जगह खाली छोड़ रखी है ना इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। अब देखो भाई कंपनी वालों से मेरी डायरेक्टली यहाँ पे बात नहीं हुई थी, लेकिन जिससे मैं इसको बाय करके लाया था ना तो उन्होंने मुझे यहाँ पे समझाया कि कंपनी वाले पहले इसके अंदर एक और USB का पोर्ट यहाँ पे देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है USB 2। लेकिन दोस्तों अगर USB पोर्ट इसके अंदर कंपनी दे देती ना तो इसकी प्राइस यहाँ पे 1200 रुपये चल जाती, क्योंकि USB पोर्ट यहाँ पर चेंज होता तो उसका जो मदरबोर्ड है ना वो भी कंपनी वालों को चेंज करना पड़ता, तो उससे इसकी जो प्राइस है ना वो यहाँ पे 1200 से 1300 रुपये चल जाती, तो अपने को फिर ये 950 रुपये में नहीं मिलता। तो इसी वजह से कंपनी वालों ने इसकी जो स्पेस है ना वो यहाँ पे खाली छोड़ दिए। और शॉप वाले ने मुझे साफ साफ बताया कि ये जो अपने को इसके अंदर होल मिल रहा है ना इसके अंदर करंट यहाँ पे फ्लो होता रहता है, तो इसके अंदर कुछ भी चीज़ मत डालना या फिर आप ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना क्योंकि अंदर मदरबोर्ड है और उसके अंदर यहाँ पे करंट चलता रहता है। अब दोस्तों एक बात और, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इसके अंदर कौन कौन से TV चैनल यहाँ पे फ्री में मिलेंगे, तो एक बात मैं आपको बता दूँ, जितने भी यहाँ पे DT गवर्नमेंट अपने को फ्री में चैनल देती है जिसे अपन यहाँ पे फ्री टू एयर बोलते हैं या फिर DT के चैनल बोलते हैं, वो सारे चैनल इसके अंदर अपने को फ्री में मिलेंगे। मेरे हिसाब से 180 से भी ज़्यादा के चैनल इसके अंदर फ्री में चलते हैं जिसके लिए अपने को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पेड चैनल देखने हैं जैसे कि स्टार प्लस है, सोनी TV है और आपको फ्री के चैनल भी देखने हैं, तो इसके लिए जिंक एडिशन वाला जो सेटअप बॉक्स आते हैं वीडियोकॉन में और डिश TV में उनको भी आप बाय कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है जिसको आप आई बटन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके देख सकते हो। तो वाला जो सेटअप बॉक्स है ना उसकी खासियत यही है कि उसके अंदर फ्री के चैनल भी चलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पेड चैनल होते हैं जिससे अपन पॉपुलर चैनल भी बोलते हैं वो इसके अंदर चलेंगे नहीं, और अपने को कोई ऑप्शन भी नहीं मिलता कि अपन उसको एक्टिव यहाँ पे करवा सके। तो इस बॉक्स की ये सबसे बड़ा डाउन पॉइंट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप इसको खरीद रहे हो। अब देखो जहाँ से मैं इसको खरीद के लाया हूँ ना वहाँ पे तो ये मुझे 950 रुपये में मिल गया था, तो आप एक बार लोकल मार्केट में जाना, वहाँ पे आप ये वाला जो बॉक्स का नाम है वो शॉपकीपर को बताना, अगर वो हो सकता है तो वो आपको 1000 रुपये से कम में ये सेटअप बॉक्स दे देगा, क्योंकि लगभग इसकी प्राइस ना 1000 रुपये से कम ही है। और अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो ऑनलाइन आपको थोड़ा सा यहाँ पे महंगा मिलेगा, और Amazon की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लगभग मिलता जुलता आपको बॉक्स मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि सेम बॉक्स आपको मिले Amazon पे। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा दोस्तों आपको कि अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाके या फिर लोकल मार्केट में जाके आप ये वाला बॉक्स खरीदते हो इस नाम से, तो डेफिनेटली ये बॉक्स आपको 1000 रुपये से अंदर में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको कुछ भी यहाँ पे और पूछना हो या भी कोई भी आपके डाउट होना तो भी मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट को पढ़ के मैं रिप्लाई फटाफट कर देता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ये वाली वीडियो को देखना मत भूलना यार।